कृष्ण राम नाइक भी थे, एक पीवी सामंत थे जो पूरा कानूनन काम उसके पीछे वो करते थे, बहुत से सोशलिस्ट लोग थे, दंडवती जी थे, लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमने किया, इसलिए डर लगता है। कल बोलेंगे लालबाग का राजा का निर्माण भी हमने किया। ये मत भूलिए ये मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, उनके ऊपर मराठी लोगों का पहला हक है, और ये मुंबई के लिए 105 मराठी लोगों ने बलिदान भी किया है, लेकिन इस मुंबई को हमसे तोड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। अगर आप तोड़ने की हिम्मत नहीं रखते तो आप मुंबई को कंगाल बना रहे हो, सब कुछ लूटकर आप अपने राज्य में लेके जा रहे हैं। इसलिए हमको डर है, ये लोगों की मन की भावना है, ये बीजेपी को क्या समझता है, क्या अपमान किया। हम लालबाग के राजा के श्रद्धालु है, डीओटी है। सर, कशाला हे कोण सांगणार, हे कोण ठरवणार मान अपमान। ह्या लोकांनी गेल्या 3-4-5 वर्षामध्ये मुंबईचा मराठी माणसाचा, आमच्या दैवतांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो अपमान केलाय त्याबद्दल माफी मागतायत का? फडणवीसांनी माफी मागितली का माफी? एक लक्षात घ्या, माझं विधान काय होतं, आम्हाला भीती वाटते ज्या पद्धतीनं गुजरातचं व्यापारी मंडळ भाजपचं महाराष्ट्राच्या राजधानीवर सातत्यानं हल्ले करताय, मुंबई ओरबडण्याचा त्यांचा जो एक डाव सुरू आहे, मुंबईतल्या सगळ्या उत्तम आणि चांगल्या गोष्टी गुजरातला न्यायच्या, उद्योग असेल, व्यापार असेल, इंटरनॅशनल फिनान्स सेंटर असेल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र असेल, आमच्या जमीन, आमच्या जुमले, आमची प्रतिष्ठा, हे सगळं तोडायचं, हे फक्त गुजराती व्यापार मंडळाच्या फायद्यासाठी।